चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत हो गए, हम भी खैरियत हैं भाई। मुनव्वर की तो न्यूज़ है, पर तुम लोग को पता है मैं हमेशा मुनव्वर की लेट ही न्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं एल्विश ने खाई हलवा पूरी और पूरी रात नहीं सोए जेल में, और काफ़ी लोग जो हैं उनको बुरा लग रहा है एल्विश फैंस को कि एल्विश के साथ क्या हो रहा है। पर जो न्यूज़ आ रही है वो बड़ी अजीब सी आ रही है कि एल्विश ने जो स्नेक का वो जो होती है पॉइजन वॉइजन शायद रेयर पार्टीज़ में दिया है, बेचा है या क्या किया है। तो जो हेटर्स उसके हैं वो तो बोल रहे हैं यार ये तो है, जो फैंस हैं वो उसके साथ खड़े हुए हैं। वही वाला जो सीन तुम लोगों को पता है, पर जो है एल्विश के जो फैंस होते हैं उनके लिए ये मसले खड़े होते हैं, फिर उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। अब बारह ये एल्विश का चलता रहेगा कि अब कौन कौन सपोर्ट में उतरा। तुम लोगों को पता है अंजलि सपोर्ट में उतरी, बाकी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे मैक्स फ्रेंड के मज़े हो गए, तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं एल्विश के अकाउंट में। अच्छा अब दूसरी न्यूज़ पर चलते हैं, प्रियंकेट आपको पता है प्रियंका, और प्रियंका को उन्होंने बिग बॉस 16 में बहुत सपोर्ट किया। अंकित बहुत अच्छा था, पर अंकित गेमर अच्छा नहीं था बिग बॉस में, पर वो बंदा इंसान बहुत अच्छा है। तो प्रियंकेट की शादी की खबरें आ रही हैं कि वो शादी कर रहे हैं बहुत जल्दी, और ये बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं झूठ है, अप्रैल मार्च में ही अप्रैल फूल बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सीन है, मुझे ये लगता है कि वाकई शादी हो रही है, और क्योंकि दोनों जिस हिसाब से दोस्ती है तो दोस्ती से आगे ही बढ़ गए लग रहा है। आप लोगों को पता है जैसे जैस्मिन और अली की मोहब्बत बाद में हुई थी बिग बॉस में, इसी तरह प्रियंका और अंकित की भी मोहब्बत हो गई है। अब देखते हैं आगे ये लोग माशाल्लाह से किस तरह से, जोड़ी तो बड़ी परफेक्ट है, टाइट है, अच्छे लगते हैं दोनों। अब देखना ये कि कब शादी, जल्दी बताते हैं ये लोग। वैसे तो कह रहे थे पता नहीं इस साल के दिसंबर या नवंबर में होगी, तो अब ये देखना है कन्फर्म है कि कब कन्फर्म ये लोग करते हैं। अब आते हैं मुनव्वर पे। मुनव्वर ने अपना जो रज़ाक भाई मोड है वो ऑन किया, और उसका जो एक सीरीज़ रमज़ान की शुरू किया, रमज़ान 2 में उसने इफ्तारी कैसे की, सहरी कैसे की, तो वो जो है वीडियो वायरल हो गई। और आपको पता है रज़ाक भाई को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो उसकी वीडियो वायरल हो गई। और मुनव्वर की तो हर वीडियो वायरल ही होती है, ये एक अलग किस्म की वायरल भी है। इसमें मुनव्वर एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीज़ें, तो मज़ा आ रहा है देख के। मुनव्वर का एक नया शो तो नहीं कह सकते, पर कलर्स पे एक पूरा प्रोग्राम हो रहा है होली का, तो होली पे मुनव्वर जो है वो नज़र आ रहे हैं होली लगाते हुए। और भी बहुत सारे नील और ऐश्वर्या भी हैं इस होली वाले शो में, तो अच्छा लग रहा है देख के यार कि चलो मुनव्वर को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो मैं बात करूँगा। एक तो नेटफ्लिक्स का उसका चल रहा है काम, तो वो वाले पर भी बात की है मैंने। तुम लोग का क्या काम बनता है, लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।